हेलो बच्चों, तो हमने पढ़ा है ऑल्टरनेटिंग करंट, द वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, और कौन सी वैल्यू, एवरेज वैल्यू ओवर कंप्लीट साइकिल, तो कितना आया था, जीरो ओवर हाफ साइकिल। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में कितनी वैल्यू आई है, आती है बच्चों, आई इक्वल्स टू आई नॉट मल्टीप्लाई टू अपॉन पाई, या ये बोले आई नॉट 2 को किससे डिवाइड करना है, 3.14, और ये कितना आती है, 0.637 ऑफ आई नोट, इतना आई नोट का आता है। कई बार इसको परसेंटेज में पूछ लेते हैं, तो परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करते हैं, तुम्हें पता है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाता है 63.7 आई नोट परसेंट, ये परसेंट में है। देख लो बच्चों, ये वैल्यू हमारी 0.637, एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए ये कितना है, ओवर कंप्लीट साइकिल, मीन वैल्यू ऑफ एसी ओवर कंप्लीट साइकिल, ये कंप्लीट साइकिल के लिए। और यहां पर अच्छा इसको ये वाला, ये कंप्लीट साइकिल के लिए, और ये ओवर हाफ साइकिल, ये हाफ साइकिल के लिए। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में हमारी वैल्यू इतना होती है ना, ये वाली। सेकंड हाफ में कितना आएगी, ओवर सेकंड हाफ साइकिल, ओवर सेकंड हाफ साइकिल आई इक्वल्स टू माइनस 0.637 ऑफ आई नोट। आई नोट से मतलब क्या है, पीक वैल्यू ऑफ द करंट, है ना। पीक वैल्यू क्या होता है, हमने निकाला था फॉर्मूला, याद होगा, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, और आई नोट को क्या बोलते हैं, इसका फॉर्मूला पढ़ा था, एन ए बी ओमेगा, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, एन इज द नंबर ऑफ टर्न, ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया या लूप का एरिया बोले, और बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो लूप रखी होगी, वो लूप से मतलब बताया था ना कि कई सारी सोलेनोइड फॉर्म में इस तरह से, तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं कि हमारा ये जो जीरो आता है ये किस तरह से आएगा, तो मैंने बोला था कि अगर आपको निकालना है तो इसको कैसे निकालोगे, जब इंटीग्रल करते हैं तो इंटीग्रल में लिमिट क्या पुट की थी, 0 to t/2, लेकिन अगर हमें नेगेटिव के लिए निकालना है तो क्या पुट करना होगा, t/2 to t, तब ये हमारी वैल्यू आती है, इसको मैं बताया था लास्ट वीडियो में इस तरह से। अब कंप्लीट, जब अगर हमने बोला कि ये जीरो आया है तो कंप्लीट के लिए क्या होगा, कंप्लीट के लिए बच्चों टोटल करंट बोलोगे, कंप्लीट साइकिल के लिए तो क्या होगा, इसको सपोज मैंने आई वन बोल दिया, इसको आई टू बोल दिया है, ये यहां पे है ना, तो आई वन प्लस आई टू, आई वन की वैल्यू पॉजिटिव, आई टू की नेगेटिव, तो लास्ट में क्या मिलेगा, जीरो। तो इस तरह से हमने ये चीजें निकाल लेते हैं। तो आप कंप्लीट साइकिल के लिए, एक तो मैंने डायरेक्ट कराया था इंटीग्रल करके, है ना, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, और क्या था एवरेज वैल्यू, क्या होती है चार्ज, और क्यू इक्वल टू क्या होता है आई टी, क्यू इक्वल टू आई टी, स्मॉल करंट निकालने के लिए क्योंकि इंटीग्रल किया था, तो डी क्यू इक्वल टू आई डी टी, इस आई की वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट किया था, तो वो वैल्यू हमें मिलती है यहाँ पे जीरो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चार्ज जो निकालना चाहते हो वो 0 to t टाइम में निकालना चाहते हो, 0 to t/2 टाइम में, जिस तरह से भी वो कराया हुआ है उसको समझ आ गया होगा, जिन बच्चों को कराया है, ये लास्ट वीडियो में हम अच्छे से बात करते हुए, आज हम बात करते हैं अब नेक्स्ट वीडियो की, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, और वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा,
रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं या वर्चुअल वैल्यू बोल देते हैं या इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं। देखो एवरेज वैल्यू क्या है, एवरेज वैल्यू बोल सकते हो या मीन वैल्यू बोल सकते हैं। ये जो आप करंट की बात कर रहे हैं ये भी ऑल्टरनेटिंग, लेकिन ऑल्टरनेटिंग का कौन सी वैल्यू, इसको क्या क्या बोल सकते हैं, वर्चुअल एसी, वर्चुअल ऑल्टरनेटिंग करंट या इफेक्टिव ऑल्टरनेटिंग करंट या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट। दोनों में क्या डिफरेंस है इस बारे में बात कर चुके हैं, फिर से एक बार देखें। जो हमारा एवरेज वैल्यू होती है ऑफ द एसी या मीन वैल्यू होती है एसी का, उसमें हम देखते हैं कि कितने चार्ज पार्टिकल, कितना चार्ज वायर के अंदर फ्लो करता है। यहां पे डिस्कस किसको करते हैं, चार्ज को किसी टाइम इंटरवल में, और ये चार्ज जितना एसी करेगा उतना ही डीसी करता है। तो हम बात करेंगे मीन वैल्यू, मीन वैल्यू ऑफ एसी, और बात करेंगे वर्चुअल वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी। वर्चुअल वैल्यू भी बोल सकते हो या इसका दूसरा क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब ये क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चों, वो देखना है। अगर हम बात करते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, तो एवरेज में क्या डिस्कस करते हैं, एवरेज में बात करें कि एवरेज सब निकालना जानते हो। एवरेज किस तरह से निकालते हैं, मान के चले हमें किसी क्लास के बच्चों के मार्क्स का एवरेज निकालना है, तो टोटल क्लास के जितने भी बच्चे होंगे सबके मार्क्स को प्लस करेंगे, अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट करते हैं, एवरेज निकल जाता है। लेकिन हम एसी में कैसे एवरेज निकाले, एसी में तो हमने देखा है कि करंट की वैल्यू फ्लक्चुएट करती है, कभी कम कभी ज्यादा, तो किस तरह से एवरेज निकालना होगा। तो हमने इसमें एवरेज निकालने के लिए फिर क्या डिस्कस किया कि यहां पर चार्ज पार्टिकल को देखते हैं, चार्ज पार्टिकल से मतलब चार्ज को, और किसमें, किसी टाइम इंटरवल के अंदर। तो सपोज यूनिट टाइम में कुछ चार्ज फ्लो होता है, हम क्या करते हैं कि पूरा वन टाइम पीरियड के अंदर देखते हैं कि कितना चार्ज फ्लो किया, और उसको पूरे टाइम पीरियड से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा वो यूनिट टाइम के अंदर चार्ज निकल जाता है, उसे ही हम क्या बोला है, एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो अब इसको देखें किस तरह से, क्योंकि यूनिफॉर्मली तो करंट फ्लो नहीं होता एसी के केस में भाई, यूनिफॉर्म वे में चार्ज पार्टिकल फ्लो नहीं होते, कभी कम होते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, कभी ज्यादा होते हैं। तो हमने क्या देखा कि जितना डीसी जब फ्लो होती है किसी वायर के अंदर से किसी टाइम इंटरवल के अंदर, डायरेक्ट करंट किसी टाइम इंटरवल के अंदर किसी वायर के अंदर से किसी डिवाइस के अंदर से जब फ्लो होती है, तो जितने टाइम के अंदर डीसी करंट, सॉरी डायरेक्ट करंट चार्ज को फ्लो करता है, सेम टाइम के अंदर एसी भी अगर उतना ही करता है, तो उस करंट को कौन सी करंट बोलते हैं, मीन वैल्यू ऑफ एसी। इसमें ये बोले कि सर डीसी के से क्यों कंपेयर करते हैं, डीसी से इसलिए कंपेयर करते हैं क्योंकि डीसी जब हम डिस्कस करते हैं डायरेक्ट करंट को, जब डिस्कस करते हैं तो डायरेक्ट करंट में उसकी वैल्यू हर सेकंड पर हर मोमेंट पर फिक्स रहती है। अगर 1 एम्पियर है तो 1 एम्पियर ही निकलता रहेगा, अगर बैटरी से ले रहे हैं तो 1 एम्पियर ही फ्लो होता रहेगा, मींस फिक्स है कॉन्स्टेंट वे में, यहां फिक्स नहीं है, मैग्नीट्यूड में फ्लक्चुएशन है, कभी कम कभी ज्यादा। तो हमने क्या देखा कि ठीक है कम ज्यादा होंगे कोई बात नहीं है, लेकिन हम टाइम पीरियड के अंदर डीसी में वहां पे तो फिक्स होती है चीजें फ्लो, मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि हर सेकंड में कितने पार्टिकल फ्लो होते हैं, मान के चलो हर सेकंड में एक पार्टिकल फ्लो होता है इस वायर के अंदर, लेकिन टोटल हमने देखा जब अगर हर सेकंड के अंदर कितने पार्टिकल फ्लो हुए, कितने इलेक्ट्रॉन, 1, तो 60 सेकंड में 1 मिनट के अंदर कितने होंगे, 60 पार्टिकल। अब हमने एसी के केस में डिस्कस किया, एसी के केस में भी हमें क्या मिलना चाहिए, 60 सेकंड के अंदर 60 पार्टिकल ही मिलने चाहिए,
लेकिन यहाँ का फ्लोटेशन और यहाँ के फ्लोटेशन में अंतर होगा। यहाँ हर सेकंड पर एक एक है, लेकिन यहाँ किसी सेकंड पर इलेक्ट्रॉन फ्लो भी नहीं करेगा तो किसी सेकंड पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा फ्लो करेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर बात देखी जाए तो 60 ही मिलेंगे। दो तरह से मान के चलो, आप मॉर्निंग में स्कूल में आते हो तो कभी कोई बच्चा किसी टाइम से आता है तो कभी किसी टाइम से आता है, या एक साथ भीड़ आ जाती है ना, ऐसे भी तो होता है मॉर्निंग में जब हमने एंट्री ली लेते हैं बच्चे, तो या तो एक साथ कई सारी गाड़ियां आ गई, स्कूल की व्हीकल जो है कई सारी बसेज आई तो बच्चे काफी सारे एक साथ आ गए, कुछ वैसे भी लोकल से, कुछ अपने व्हीकल से, मतलब पैदल वाले, और सारा देखा कि काफी आ गए बच्चे, या फिर देखा 10 मिनट तक पूरी भीड़ रही और अगले 10 मिनट कुछ भी नहीं रहा, फ्लक्चुएशन था आने में। लेकिन जाते टाइम जब हम हमारे बच्चे स्कूल से जाते हैं तो हमने देखा कि हमारे बच्चे जब स्कूल के गेट से बाहर निकलते हैं तो हम लाइन बनवा देते हैं सबकी, और हर सेकंड में एक एक निकलता है। अब एक बात देखो जरा, और हमने एक बात बोली कि आने में जब स्कूल का टाइम आने का था, हमने बोला कि बच्चे सुबह को 8 बजे से आना शुरू करेंगे और 8:15 तक लास्ट आना चाहिए बच्चा। बोले सर ऐसा कैसे, टाइम दे दिया बच्चों को, ये बच्चों के माइंड में है 8 बजे की एंट्री शुरू की और 8:15 तक लास्ट, तो फिक्स है 15 मिनट में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल के अंदर आए होंगे। अब हमने जाते टाइम भी यही बात देखी, हमने देखा कि हमारे हर बच्चे को, एक एक बच्चे को निकालने में हमने बोल दिया कि बच्चों को इस तरह से निकालना, टाइम में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देना कि वो 15 मिनट में ही निकलने चाहिए। तो वहां पे कॉन्स्टेंट वे में मीन्स उन्होंने देखा कि 1000 बच्चे थे और 1000 बच्चों को देखा कि टाइम से डिवाइड किया 15 सेकंड से, और देखा कि या 15 मिनट से, और देखा हर मिनट में कितने बच्चे बाहर जाने थे, उस तरह से 15 मिनट में सारे बच्चे बाहर आते हैं। अब यह जरा एक बात सुनो कि जितने आए थे उतने स्टूडेंट 15 मिनट में आए थे, इसी तरह से जाने वाले भी 15 मिनट में। अब उसी चीज को हम यहाँ पे करंट के केस में समझते हैं, 60 सेकंड के अंदर कितने पार्टिकल फ्लो करते थे डीसी के लिए, डीसी की बात कर रहा हूँ यहाँ। सपोज ये वायर है और इस वायर में डीसी बोलते किसमें को है, जिसमें एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है और वैल्यू कॉन्स्टेंट रहती है, आते हैं 60 सेकंड के अंदर और कितने पार्टिकल, 60 पार्टिकल, पार्टिकल से मेरा मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है 60 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे आते हैं तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। उसी तरह से यहां पे देखा, यहां पे भी 60 पार्टिकल आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मतलब 60 इलेक्ट्रॉन पार्टिकल में, यहां पे इलेक्ट्रॉन लिया, लेकिन यहां का फ्लोटेशन फिक्स नहीं था, यहां पर किसी सेकंड में इलेक्ट्रॉन फ्लो भी नहीं करता था, अगले सेकंड में एक करता है, दूसरे तीसरे सेकंड में दो आते हैं, चौथे मींस क्वांटिटी बढ़ती है, और उसी तरह से फिर एक मैक्सिमम के बाद फिर कम होगी। यहां का ग्राफ अगर देखा जाए, जब इसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो यहां का ग्राफ हमें ऐसे मिलता है, हर सेकंड में ये टाइम है, हर सेकंड में निकलने वाले इलेक्ट्रॉन इक्वल है, लेकिन यहां का ग्राफ हमें कैसा मिलता है, इस तरह निकलने वाले इलेक्ट्रॉन बढ़ती जा रही है क्वांटिटी, ये आई है क्वांटिटी, बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा, इंक्रीज होता है और फिर डिक्रीज और फिर इंक्रीज, इस तरह के फ्लक्चुएशन के साथ। अब हमने देखा कि एवरेज कैसे निकालें, तो एवरेज यहां तो आप 60 को 60 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1, यहां भी 60 को, क्योंकि ओवरऑल 1 मिनट के अंदर, या ये बोले 60 सेकंड के अंदर कितने पार्टिकल निकले हैं, 60 निकले हैं, यहां भी एवरेज निकालोगे तो क्या आएगा 1, यहां पे भी 1 पार्टिकल अपॉन सेकंड पर सेकंड, यहां पे भी 1 है, वहां पे भी 1 है, बस अंतर क्या था, वहां पे निकलने वाले हर सेकंड में इक्वल थे तो 1 ही आएगा, लेकिन यहां पे इक्वल नहीं थे यहां पे, लेकिन इसके बाद भी 1 आया, तो एवरेज समझ आ गया, एवरेज किस तरह से निकालते हैं, इसको बोलते हैं मीन वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट, और यही हमने निकाला था जब हमने इस डेरिवेशन को किया था, तो हम डेरिवेशन को समझ आ गया, ये वैल्यू बात समझ आई किस तरह से हम मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू बोलते हैं। अब डेरिवेशन को निकालने के लिए क्या किया था, टाइम फ्लक्चुएट करता है,
अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो किसकी है, एसी की है, लेकिन हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये कंसीडर कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर हमारा इतना करंट है। बस मेरी बात समझो जरा बच्चों, टाइम वेरी करता है, टाइम इंक्रीज ऊपर बढ़ते जा रहा है, घड़ी चलती जा रही है, टाइम बढ़ रहा है, करंट भी कभी कम कभी ज्यादा उसके अंदर, ग्राफ इस तरह से। लेकिन किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे तो करंट फिक्स रहा होगा। मैं बोलूं कि मुझे ये बताओ 2 मिनट के बाद करंट की क्या वैल्यू है, आप बोलोगे 40 एम्पियर या 10 एम्पियर, 9 एम्पियर। मैं बोलूं अगली 41 पे बताओ कि 3 एम्पियर। एक पर्टिकुलर मोमेंट पे तो करंट फिक्स रहा होगा, हालांकि करंट एसी की वैल्यू फिक्स नहीं रहती, लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम पर तो फिक्स ही कंसिडर किया जाएगा, है ना। और हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, चार्ज का फॉर्मूला, फर्स्ट चैप्टर में सेकंड में जो हमने पढ़े हैं अभी तक, वो डीसी को लेकर डिस्कस किया है। ये सारे रूल अभी तक 6 चैप्टर तक जो पढ़े हैं आपने डीसी करंट के लिए पढ़े हैं। इस चैप्टर में एसी, एसी का मतलब जिसमें वैल्यू चेंज होती है, फ्लक्चुएट करती है, तो ये तो एसी की इक्वेशन है, लेकिन हमें एवरेज निकालना है क्या लेके, किसी पर्टिकुलर टाइम पर करंट को लेके, और उस करंट के साथ ये देखेंगे कि उस करंट की वजह से कितने चार्ज फ्लो किया। तो किसी पर्टिकुलर टाइम यानी स्मॉल टाइम के अंदर जो चार्ज फ्लो करता है उसको क्या कंसिडर कर सकते हो, आई डी टी, कि आई की वैल्यू फिक्स थी कितने टाइम में, स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल। स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल क्यों लेते हैं, क्योंकि कम से कम चेंज टाइम में हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि हमारी करंट कैसी रही होगी, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट, क्योंकि ये फॉर्मूला डीसी करंट का है। बच्चों मैं क्यों आखिर इस फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं, जो तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारा डीसी के लिए है। डीसी का मतलब जब करंट की वैल्यू फिक्स रहती है, आप पढ़ते हो ना, आपने पढ़ा है क्यू इक्वल टू आई टी, कि किसी टाइम ऑफ इंटरवल में मान लो 10 सेकंड के अंदर कितना करंट, कितना चार्ज फ्लो किया, तो आपको पता है डीसी में तो चार्ज की वैल्यू फिक्स ही रहती है, वायर के अंदर से फिक्स चार्ज फ्लो करता है हर सेकंड में, वो जो बात समझाई थी। तो आई की वैल्यू भी फिक्स रहेगी 10 सेकंड तक, लेकिन यहां 10 सेकंड तक करंट की वैल्यू फिक्स नहीं है। क्यों नहीं है फिक्स, क्योंकि ग्राफ ऐसे है, वेरी करता है। तो हम क्या कंसीडर करेंगे फिर हम टाइम टी नहीं लेंगे, टाइम स्मॉल लेंगे, स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल में कंसीडर करेंगे कि चार्ज फिक्स रहा होगा जो वायर के अंदर से फ्लो करता है। अब तो मेरी बात समझ आ गई, स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल में हमने कंसीडर किया कि चार्ज हमारा फिक्स रहता है। तो इस तरह से अब इसको क्या करोगे कि स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल में तो इतना चार्ज फ्लो करता है, अब टोटल निकाल लोगे पूरा कितने टाइम में, अगर टी बाई टू, जैसे मैंने बोला था हाफ साइकिल के लिए 0 to T/2, और कंप्लीट साइकिल के लिए क्या करना होगा, 0 to T/D, क्यों, और अगर हाफ के लिए आता तो क्यू इक्वल टू 0 to T/2 D, क्यों, ये आगे का प्रोसीजर करा चुका हूं। और अगर आपका आता, देखो ये वाला जो है ये T/2 फर्स्ट हाफ के लिए है, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, सेकंड हाफ साइकिल की बात होती फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल, फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए इतना है, फॉर सेकंड हाफ साइकिल, सेकंड हाफ साइकिल के लिए कितना आएगा, देखो सबके लिए इक्वेशन तो यही यूज होनी है, ये वाली, चाहे आप कंप्लीट का निकालो, फर्स्ट हाफ साइकिल का निकालो, सेकंड हाफ साइकिल का निकालो, रहना तो यही है, लेकिन फॉर सेकंड हाफ साइकिल तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 नहीं यूज करेंगे, सेकंड हाफ साइकिल कहां से शुरू हुई है, ये देखो 0 T/2 से T तक, समझ आ गया। तो इसको कहां से लिमिट क्या रहेगी, T/2 to T, और इसकी वैल्यू कितना आएगी, 0.6 माइनस में आएगी बच्चों, 0. या ये कहूं माइनस में 2/π I0, और ये जो हमने निकाला था ये क्या आएगी,
टू अपॉन पाई आई नॉट, और ये क्या आएगी जीरो। वैसे भी देखो अगर डायरेक्ट कर रहे हो इसी इक्वेशन को लेके तो जीरो आएगी, और वरना तो बाद में भी आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट हाफ साइकिल सेकंड हाफ साइकिल दोनों को प्लस करेंगे क्या मिलेगा जीरो। है ना, सर इसमें ये माइनस टू बाय, देखो अच्छा एक बच्चे ने एक क्वेश्चन किया है कि सर वन कंप्लीट साइकिल के लिए तो ये हो गया जीरो टू टी बाई टू, सेकंड साइकिल के लिए सेकंड हाफ साइकिल के लिए टी बाई टू टू टी, लेकिन अगर हम सेकंड हाफ साइकिल के भी बाद की बात करें, फर्स्ट हाफ साइकिल सेकंड हाफ साइकिल या थर्ड हाफ साइकिल जिसको बोल दें, थर्ड हाफ साइकिल कहां से शुरू होगी ग्राफ को देखो जरा, इसको पहले ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करता है फिर मिनिमम पे आता है, कितना टाइम है टी बाई टू, इसके बाद फिर मैक्सिमम फिर मिनिमम, कितना टाइम हो गया टी, इसके बाद जब ग्राफ फिर से बनेगी तो कितना आएगा टी बाई टू प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा थ्री टी बाई टू ये वाला। अब आपको अगर इसके बाद का भी निकालना है तो लिमिट क्या पुट करोगे टी टू थ्री बाई टू, और उसकी वैल्यू भी इतना ही आएगी। याद रखना बस जो ऊपर वाले हैं जितने ग्राफ ऊपर के लिए बन रहे हैं उनकी वैल्यू ये आती है पॉजिटिव में, और जो नीचे वाला पोर्शन है उसकी वैल्यू ये आती है, और कंप्लीट यहां से यहां तक वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी जीरो। ऐसा क्यों होता है सर्किट के लिए बता चुका हूं, ये सपोज रजिस्टर है यहां पर एसी सोर्स, तो करंट का होता क्या है हाफ साइकिल में क्लॉकवाइज है तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में एंटी क्लॉकवाइज है। जैसे मान के चलो मैं किसी बोतल में वॉटर फिल करता हूं और मैंने इधर कर देता हूं तो पानी नीचे, इधर कर देता हूं तो फिर ये नीचे, ओवरऑल कितना हुआ, ऐसे समझो कि मैंने यहां से फिल किया तो पानी, और यहां ये पूरी की पूरी ट्यूब खाली, जॉइन भी करना होगा। हेलो तो ये क्या है मीन वैल्यू और ये वर्चुअल, तो मीन वैल्यू में हमने क्या डिस्कस किया है कि हमें क्या देखना होता है कितना चार्ज फ्लो किया उसको टाइम से डिवाइड करते हैं, हमें क्या आ जाती है मीन वैल्यू ऑफ द एसी, कि किसी टाइम इंटरवल के अंदर कितना चार्ज फ्लो करता है उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं हमारा एवरेज आ जाता है। लेकिन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में हम टाइम से डिवाइड तो यहां पर भी करते हैं, लेकिन यहां पर हम हीटिंग इफेक्ट को डिस्कस करके चलते हैं। यहां पे हमने डीसी से दोनों में कंपेयर करते हैं एसी को, यहां पे क्या डिस्कस किया था कि जितना डीसी किसी चार्ज को, जितना डीसी कोई भी डीसी करंट जितना चार्ज फ्लो करता है किसी टाइम इंटरवल के अंदर, देखना होगा कि उतने ही टाइम में एसी भी उतना ही चार्ज करे, 60-60 वाला जो एग्जाम्पल दिया था दोनों, यहां पर फिक्स होता है हर सेकंड में, यहां फिक्स नहीं होता लेकिन ओवरऑल 60 है, ओवरऑल मींस लास्ट में देखेंगे रिजल्ट 60 ही मिलता है। अब यहां पे डिस्कस करते हैं वर्चुअल करंट क्या होती है, वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी क्या होता है। वर्चुअल वैल्यू में हम उसका इफेक्ट देखते हैं, यहां हमें ये नहीं देखना कि उन्होंने वर्क कितना किया, क्या इफेक्ट आया या नहीं आया, हमने बात की केवल उनकी क्वांटिटी को लेकर, एवरेज वैल्यू बोला, क्वांटिटी से मतलब क्या है, स्टूडेंट क्लास में हर तरह के हैं, पढ़ने वाले भी हैं कुछ कम हैं, हालांकि सब होशियार होते हैं लेकिन कुछ के मार्क्स ज्यादा आते हैं, कुछ मेहनत अच्छी करते हैं, कुछ से मेहनत नहीं हो पाती बीमार हो जाते हैं, 10 चीजें हो सकती हैं, कोई रीजन है किसी वजह से नहीं कर पाए उस वजह से मार्क्स नहीं आ पाते। तो यहां पर हमें उनकी क्वालिटी को नहीं देखना है, क्वांटिटी को देखना है कि कितने फ्लो करते हैं, कितने एंटर करते हैं स्कूल में, आते कितना है, जितने आएंगे उतना जाएंगे। तो आने का सिस्टम क्या टाइम के अकॉर्डिंग फिक्स है, अगर फिक्स है तो वो कैसा है डीसी, लेकिन कभी क्वांटिटी कम कभी ज्यादा कैसा है एसी। क्वांटिटी को डिस्कस किया, अब आएंगे क्या वो करते क्या है, आखिर उनका इफेक्ट क्या है, रिजल्ट क्या निकाल के लेके आए, खाली क्वांटिटी तक सीमित है, कुछ मिले मिलता भी है उनके आने से। तो हमने देखा उनके आने से स्कूल के बच्चों का को शिक्षा मिलती है, वो जॉब करते हैं, पूरी सोसाइटी की हेल्प करते हैं,
है ना, काफी सारे इफेक्ट हैं। अच्छे अच्छी जॉब पे जाते हैं, कोई आईएएस बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है ना, इस तरह से। तो काफी सारे इफेक्ट देखे। इसी तरह से हमें यहाँ पे, यहाँ हमने चार्ज की क्वांटिटी को देखा, यहाँ क्वांटिटी की वजह से इफेक्ट क्या आएगा उसको डिस्कस करते हैं। और वो कौन सा डिस्कस है? हीटिंग इफेक्ट। लेकिन यहाँ भी कंपेयर किसके साथ करना है? डीसी करंट के साथ। डीसी के साथ क्या करते हैं कि कोई भी डीसी करंट जितना हीट प्रोड्यूस करता है किसी टाइम इंटरवल के अंदर, यहां क्या था, डीसी करंट, सॉरी डायरेक्ट करंट क्या फ्लो करता है, चार्ज, इसमें गिवन टाइम में, इन गिवन टाइम, उतना ही कौन करेगा, एसी, उतना ही चार्ज उतने ही टाइम में, इन दैट टाइम। स्क्रीनशॉट ले सकते हो समझने के लिए। यहां चार्ज को डिस्कस किया था, मतलब क्वांटिटी देखी थी, यहां उन उस क्वांटिटी की वजह से इफेक्ट क्या आता है वो देखेंगे सिस्टम के अंदर। यहां क्या देखना है, हीटिंग, कितना हीटिंग इफेक्ट दिखाता है, हीटिंग इफेक्ट या कितना हीट दिखाता है इन टाइम टी, जितने टाइम के अंदर कौन दिखाता है, ये डीसी, डीसी जितना हीटिंग इफेक्ट किसी टाइम के अंदर दिखाता है उतना ही एसी को भी दिखाना होगा। तब उस केस में अगर एसी भी उतना ही दिखाता है तो उस केस में जितना डीसी की वैल्यू होगी उस वैल्यू को ही कौन सी वैल्यू बोलते हैं, वर्चुअल वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इसका नाम फॉर्मूले की वजह से आया है, वो अभी समझ में आएगा फॉर्मूले की वजह से क्यों आया है। बाकी वरना तो इसको कौन सी वैल्यू बोलते थे, इफेक्टिव वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू। लेकिन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं, वो फॉर्मूले से समझ आएगा तुम्हें। मैंने बोला ना, हम हीट, कितना हीट प्रोड्यूस होती है, कितना एनर्जी फ्लो करता है, तो वो सारे फॉर्मूले हमने डीसी करंट के केस में पढ़े हैं, एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, एच इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर टी, एच इक्वल्स टू वी आई, ये सारे के सारे, वी आई टी, सॉरी वी आई टी, तो ये सारे फॉर्मूले हमने डीसी के लिए पढ़े हैं। अब एसी में तो उन्हें यूज नहीं कर सकते डायरेक्ट, तो हमने फिर क्या किया, फिर से वही बात, किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हम एसी को ही क्या कंसिडर कर सकते हैं, डीसी कर सकते हैं। देखो अब जरा इसका डेरिवेशन करेंगे, समझ आ गया ना दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चों? Yes, ये समझ आ गया ना, यहाँ पे क्वांटिटी डिस्कस करते हैं, यहाँ पे उस क्वांटिटी का इफेक्ट डिस्कस करते हैं जिसको हम वर्चुअल वैल्यू ऑफ द करंट बोलते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी को एवरेज वैल्यू ऑफ करंट बोलते हैं, यहाँ पे इफेक्टिव, वर्चुअल या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन क्यों बोलेंगे, अभी जब डेरिवेशन करेंगे उससे समझ आएगा। तो देखें जरा किस तरह से, तो यहां पे हाफ साइकिल, कंप्लीट साइकिल, यहां पे क्या आने वाला है वो देखें, यहां और यहां में एक डिफरेंस है बच्चों। यहां हाफ साइकिल के लिए 0.637 था, यहां हम कंप्लीट साइकिल का निकालेंगे। हाफ साइकिल का निकालोगे तो उस जो इफेक्ट आएगा उसका हाफ कर देंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। अगर कंप्लीट निकाला था तो जीरो था, हाफ में ये वैल्यू थी, नेक्स्ट हाफ में नेगेटिव में थी। क्यों क्यों थी ऐसा? अगर हम बात करें कि छुट्टी के बाद स्कूल में कितने बच्चे बचे हैं, कुछ कोई भी नहीं रहता, सब घर चले जाते हैं। हमने कहा हाफ टाइम के बाद लंच में स्कूल में कितने बच्चे होते हैं, तो आने वाले छुट्टी में कितने होते हैं, सब चले गए, तो जीरो। समझ आ गया ना क्यों यहां पे है। अब यहां की बात करते हैं, हमने लंच में बोला कि बच्चों ने कितना खर्चा किया, भाई कुछ ना कुछ इफेक्ट आया होगा, ऐसा तो है नहीं कि बच्चे जब आएंगे स्कूल में तो कुछ तो एनर्जी लॉस करेंगे या कुछ मिलेगी, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। मैंने बोला यहां क्वांटिटी, यहां उनकी यहाँ क्वांटिटी को, यहाँ क्वालिटी को, कि कौन अच्छा पढ़ा है, उनका रिकॉर्ड भी रहा होगा, कौन आया है कौन गया है, मतलब अच्छाई बुराई सब कुछ है।
तो यहां डिस्कस करेंगे उनकी क्वालिटी को, क्वालिटी से मतलब क्या इफेक्ट दिखा के गए हैं वो। अब अगर वो आधा टाइम में रहे तब भी कुछ इफेक्ट दिखाएंगे, कंप्लीट टाइम में रहे हैं तो भी कुछ इफेक्ट दिखाएंगे, आधा से कंप्लीट तक ज्यादा करके जाएंगे, सीधी सी बात है। तो यहां क्या डिस्कस करते हैं, हीट को, कि 0 to T/2 टाइम तक जो हीट आएगी वो कुछ हीट सपोज H बनती है और कंप्लीट साइकिल में 2H हो जाएगी, तो इस तरह से देखेंगे। मैं समझता हूं अब ये टॉपिक वर्चुअल वैल्यू ऑफ इफ, तो कैसे करना है फिर से, हमने कई सारे फॉर्मूले किए इसका डेरिवेशन करने से पहले मैं तुम्हें कई सारे फॉर्मूले याद दिलाता हूं। हमने पढ़ा था H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी डीसी के लिए, हमने पढ़ा था V स्क्वायर अपॉन आर टी, हमने पढ़ा था वी आई टी, कई सारे फॉर्मूले किए। अब इन्हीं में से हम क्या करते हैं, क्योंकि करंट को डिस्कस कर रहे हैं वोल्टेज को नहीं, अगर आपको बोला जाए वर्चुअल वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, वर्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑफ एसी, कि वोल्टेज की जो वर्चुअल वैल्यू है वो कितनी है, तब आप इस फॉर्मूले को यूज करके डेरिवेशन कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है, करंट की वैल्यू को डिस्कस करना है। तो फॉर्मूला कौन सा पुट करते हैं, ये इसलिए नहीं करते क्योंकि वोल्टेज हमें नहीं पता होती, इसमें भी है ना, ये दोनों एक साथ, क्योंकि एक को लेके चल सकते हैं जब भी इंटीग्रल करते हैं। ये बात पहले भी क्लियर कर चुका हूं कि इंटीग्रेशन करते टाइम पर हमारा जो वेरिंग फैक्टर होता है, वेरिएबल होता है, वेरिएबल क्वांटिटी वो वन होनी चाहिए, बाकी सब कॉन्स्टेंट करते हैं। तो इक्वेशन को इस तरह से तैयार करते हैं, इस तरह से बनाते हैं कि हमारा उसमें वेरिएबल वन रहे। अब यहाँ पे वी भी है और आई भी है, इसमें वी को लेके चलोगे इस इक्वेशन को तो क्या निकालना आएगा, होगा क्या निकलेगा, वोल्टेज। लेकिन हम डिस्कस किसको कर रहे हैं, वर्चुअल वैल्यू ऑल्टरनेटिंग करंट, तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे फर्स्ट। चलिए अब एसी का हमने कौन सा करंट लिया है, इफेक्टिव वैल्यू, सपोज इफेक्टिव वैल्यू पूरे वन साइकिल में इफेक्टिव बोल दिया है उसको, लेकिन डीसी के लिए तो नहीं बोल सकते, डीसी का तो किसी पर्टिकुलर एसी को के करंट को ही, एसी करंट को ही किसी पर्टिकुलर टाइम पर हम डीसी कंसीडर कर सकते हैं, और वो किस तरह से होगा, स्मॉल टाइम में, और स्मॉल टाइम की बात करोगे तो स्मॉल ही हीट प्रोड्यूस करेगा। डीएच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टाइम, अब स्मॉल ही आएगा डीटी, वेरी गुड डीटी। अब ये जो वैल्यू है सपोज पूरी वन साइकिल के अंदर, इस तरह से अब पूरी वन साइकिल के अंदर कितना हो जाएगी, कितनी हीट प्रोड्यूस होगी किसी पर्टिकुलर टाइम डीटी के अंदर, इतना ही हीट प्रोड्यूस होती है कंप्लीट साइकिल के अंदर, टोटल हीट प्रोड्यूसिंग बाय द ऑल्टरनेटिंग करंट ड्यूरिंग वन साइकिल कितना हो जाएगी, H इक्वल्स टू 0 to T, इंटीग्रल भी करना है और साथ में इसको डिवाइड भी करना है, 0 to T, अच्छा नहीं अभी एवरेज नहीं निकल, 0 to T आई डी एच, और ये आ जाएगा हमारा 0 to T आई स्क्वायर आर डी टी,
इस तरह से। अब हमें निकालना है पूरा इफेक्टिव करंट के लिए क्या वैल्यू आएगी। तो इफेक्टिव क्या होगा, इतना ही क्योंकि मैंने बोला था जितना डीसी पूरी वन कंप्लीट साइकिल में किया उतना ही इफेक्टिव भी पूरी साइकिल में करना चाहिए। तो H इक्वल टू I इफेक्टिव स्क्वेयर R और टाइम कितना लोगे T। I इफेक्टिव स्क्वायर R इंटू T इस तरह से। दोनों करंट क्योंकि दोनों फिक्स है, जितना ही सॉरी यानी ये वाला जितना हीट यहां पे प्रोड्यूस हुई है उतना ही यहां प्रोड्यूस होगी। तो इसीलिए क्या पुट कर सकते हो इस एच में, इस एच की जगह आई इफेक्टिव स्क्वेयर आर टी इक्वल्स टू जीरो टू सी आई स्क्वेयर आर डी टी। तो आई इफेक्टिव इक्वल्स टू आर से आर तो कैंसल और टी आ जाएगा वन अपॉन टी जीरो टू टी आई स्क्वेयर डी टी। यहां तक ये हमारी इक्वेशन आ जाती है। तो मैंने बोला था कि रूट मीन स्क्वायर क्यों बोलते हैं। तो देखो हम इंटीग्रल भी कर रहे हैं कितने टाइम में जीरो टू टी और उसको फिर टाइम से डिवाइड भी कर रहे हैं। तो एक तरह से क्या आ गया कि जो उसने इफेक्ट शो किया था, जो उसने कुछ भी किया क्वांटिटी से नहीं देख रहे इस बात, जो उसकी क्वालिटी थी कुछ करने की, जो इफेक्ट था शो करने का, उस इफेक्ट में को इंटीग्रेट किया टाइम पूरे टाइम से और एवरेज भी निकाल लिया है। और ये स्क्वायर है तो इधर आके क्या आ जाएगा आई इफेक्टिव इक्वल्स टू स्क्वायर रूट पूरे का वन अपॉन टी जीरो टू टी आई स्क्वायर इंटू डी टी। तो देखो ये क्या आ गया, मीन वैल्यू थी और कौन सी मीन वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट। तो मैंने बोला था इसको स्क्वायर रूट भी बोलते हैं वर्चुअल वैल्यू को, वर्चुअल वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू। तो इफेक्टिव वैल्यू भी बोल देते हैं कि क्या इफेक्ट दिखाता है, या इसको क्या बोल देते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द एसी। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्यों बोला है, क्योंकि यहां पर रूट मीन निकाला है, इस वजह से भी इसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं। अब आगे कैसे करेंगे देखना है इक्वेशन से। यहां तक समझ आ गया, अब क्या करना होगा। तो वन अपॉन टी जीरो टू टी आई की जगह क्या पुट कर सकते हो आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी। भाई आई की जगह ये वैल्यू आ गई। अब इसको करेंगे इंटीग्रेट, तो इस वैल्यू को फिलहाल यहीं पर छोड़ते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं। आई इफेक्टिव शॉर्ट में ही मैंने इफेक्टिव बोलते हैं, इफेक्टिव शॉर्ट में ई डबल एफ से रिप्रेजेंट किया होगा। अब देखो इसको आगे इस वैल्यू को डायरेक्ट निकाल लेंगे इंटीग्रल करके और जो इसकी वैल्यू आएगी उसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन, और जो भी हमें मिलेगा वो हमारी क्या होगी आई इफेक्टिव आएगी। तो किस तरह से करेंगे देखिए जरा, इंटीग्रल जीरो टू टी आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी इक्वल। अब देखो इसको जब इंटीग्रल करेंगे आई नॉट तो फिक्स है यहां पर, तो आई नॉट और साइन का इंटीग्रल करते हैं तो क्या आएगा कोस माइनस में कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का भी क्योंकि फंक्शन है तो अपॉन में ओमेगा। तो क्या इंटीग्रल हुआ साइन ओमेगा टी का कोस ओमेगा टी माइनस में और अपॉन ओमेगा, अपर लिमिट टी और लोअर लिमिट जीरो।
अपर लिमिट टी, अपर लिमिट टी और लोअर लिमिट जीरो यहां पे आता है। इसके बाद इक्वल टू आई नॉट अपॉन ओमेगा, ओमेगा को बाहर लाओगे, ओमेगा की क्या वैल्यू आएगी, टू पाई अपॉन टी, ओमेगा की वैल्यू होती है टू पाई अपॉन टी, माइनस साइन को भी बाहर ले लें, अंदर बचेगा कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा की वैल्यू यहां पे भी टू पाई अपॉन टी इंटू टी और जीरो टू टी। अच्छा बच्चों हमने एक मिस्टेक की है, देखो जरा क्या मिस्टेक किया है, हमने आई की वैल्यू को पुट किया, ये स्क्वायर आता यहाँ पर, यस सर, है ना, हाँ, तो जब इसको स्क्वायर में लेंगे तो ये भी स्क्वायर होगा और ये भी स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर होगा तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसमें बस होगा लगभग ऐसे ही, बस थोड़ा सा एक टर्म और बढ़ जाती है, और ये अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं कर सकते, तो क्या करना होगा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कोस चलो रहने दो कोस टू थीटा इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है, और साइन स्क्वायर थीटा साइन इसको इधर ले आएंगे और ये क्या होगा वन माइनस कोस टू थीटा बाई टू, ठीक है, कोस टू थीटा का ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कोस टू थीटा बाई टू, इस तरह से ये हमारा बनेगा, इस वैल्यू को वहां पे पुट करोगे तो क्या आएगा, देखो ये वाला, तो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या है बच्चों यहाँ पे ओमेगा टी, वहां पर साइन के फॉर्मूले में जो हमने थीटा के लिए यूज किया वहां पे क्या है ओमेगा टी, तो क्या बनेगा वन माइनस कोस टू थीटा की जगह ओमेगा टी और कंप्लीट बाई टू, ये हमारी इक्वेशन आती है, और इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू टी, तो फॉर्मूला तो ये आ गया मल्टीप्लाई डी टी, दिखाई तो दे रहा है ना डी टी, अब इसका इंटीग्रल करेंगे, तो इसका इंटीग्रल जब आप करोगे इस टर्म का तो देखो क्या आएगा जीरो टू टी, या डायरेक्ट करता हूं देखो यहीं के बाद इक्वल्स टू, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, इसके बाद क्या आएगा यहां पे इक्वल्स टू, देखो वन है टू को मैंने बाहर लिया टू, अब वन का इंटीग्रल क्या होगा टी, और लिमिट होगी जीरो टू टी माइनस एक ब्रैकेट कोस टू ओमेगा टी का क्या होगा इंटीग्रल माइनस कोस का क्या होता है साइन टू ओमेगा टी अपॉन टू ओमेगा और लिमिट जीरो टू टी। इस तरह लिमिट रखो वन बाई टू अपर लिमिट टी माइनस जीरो माइनस वन अपॉन टू ओमेगा, ओमेगा की जगह भी क्या लिख सकते हो टू
टू पाई अपॉन टी, टू पाई अपॉन टी, ओमेगा की जगह ये वैल्यू आ गई, ब्रैकेट के अंदर साइन टू ओमेगा, साइन टू ओमेगा की जगह क्या होता है टू पाई बाई टी, और इस टी की जगह कैपिटल टी, टी से टी कैंसिल, और माइनस ये जीरो जब रखोगे बच्चों टी की जगह तो क्या होगा साइन जीरो, यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो आएगी साइन जीरो, हालांकि ये साइन जीरो क्या हो जाता है जीरो, तो ओवरऑल हमारा क्या आएगा वन बाई टू टी यहां पर माइनस ये टी ऊपर चला जाएगा अपॉन फोर पाई, साइन कितना बनेगा यहां पे साइन फोर पाई, साइन फोर पाई, ठीक है। अब जरा इनकी वैल्यू देखो, ये साइन फोर पाई आता है, साइन फोर पाई का मतलब क्या हुआ बच्चों, साइन टू पाई का मतलब क्या हुआ 360, और साइन फोर पाई का मतलब 720। फिर से देखो जरा, अगर हम बात करें एंगल बनाना शुरू करते हैं रेडियन में, तो ये पाई बाई टू होता है इतना एंगल कंप्लीट पाई, और ये टू पाई, और वापस से फिर से एक राउंड आएगा तो फोर पाई, और साइन फोर पाई की वैल्यू कितना होती है जीरो। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा, फिर से देखो साइन जीरो डिग्री की वैल्यू जीरो डिग्री, साइन जीरो डिग्री की वैल्यू कितना होती है जीरो, साइन 180 की वैल्यू भी जीरो, साइन 360 की वैल्यू भी जीरो, और साइन 720 डिग्री की वैल्यू भी जीरो आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि फर्स्ट राउंड में टू पाई और सेकंड राउंड में फोर पाई बनता है ना, हाँ जी हाँ टू रोटेशन, वेरी गुड। तो ये क्या आ जाएगा वन बाई टू टी माइनस जीरो, क्योंकि ये वैल्यू जीरो है, टी अपॉन फोर पाई मल्टीप्लाई जीरो, और ये क्या बनता है वन अपॉन टू टी खाली, ये जीरो आ गया। तो इस सारे की जगह क्या आने वाला है वन बाई टू टी, तो इसकी जगह क्या आएगा वन बाई टू टी, इस सारे की जगह पुट करो, देयरफोर आई इफेक्टिव इक्वल टू अंडर द रूट वन अपॉन टी मल्टीप्लाई वन बाई टू टी, टी से टी कैंसल। अच्छा इसमें हम कुछ छोड़ रहे हैं बच्चों, कुछ छोड़ दिया तुमने, आई नोट कहाँ छोड़ा है, यहां तक तो था तुम्हारा आई नोट, यहां के बाद यहां ये आई नोट भी ले लो यहाँ पे भैया, आई नोट भी तो है ना, क्या ऐसा करते हैं आई नोट को लेते ही नहीं, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, हमने इसी वैल्यू को लेकर चलते हैं जीरो टू थ्री, आई नोट को यहां बाहर रखते हैं, ये देखो जीरो टू टी आई नोट ये था, हम क्या कंसीडर करते हैं कि जीरो टू टी आई नोट बाहर है, एक इस लाइन यहां पे देखो वन आई नोट अंडर द रूट वन अपॉन टी आई नोट, और ये इंटीग्रल जीरो टू टी और साइन स्क्वेयर, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी, ये आई नोट स्क्वेयर आ गया, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी इंटू डी टी, वही से हमने शुरुआत किया। चलिए अब यहां आके पुट करोगे, इस सारे की वैल्यू तो आपकी क्या आ गई जीरो टू टी साइन स्क्वेयर ओमेगा टी वन बाई टू टी है ना, और ये जो आई नोट स्क्वायर है बच्चों ये बाहर आके क्या हो जाएगा आई नोट, तो इक्वल्स टू ये आई नोट आता है, तो क्या इक्वेशन बनती है हमारी, क्या वैल्यू आएगी यहां पे आई नोट अपॉन रूट टू, आई नोट अपॉन रूट टू, या इसको बोल दें 0.707 आई नोट, तो आई इफेक्टिव
आई इफेक्टिव इक्वल्स टू, या तो बोलते हैं आई नॉट बाय रूट टू, या रूट टू की वैल्यू 1.41, और 1 को जब इसने से डिवाइड करते हैं तो 1/1.414 आई नॉट, और ये जब वैल्यू को 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आती है 0.707 आई, ये याद रखना। तो याद रखो एवरेज वैल्यू कितना होती है 0.637, लेकिन ये कितना होती है 0.707। मीन्स क्वांटिटी की अगर बात करें 0.637, और अगर उसका इफेक्ट देखते हैं तो वो इफेक्ट उनकी क्वांटिटी से ज्यादा आता है, कितना परसेंट, लगभग 7%, बस 63 था, ये कितना परसेंट आएगा 70%, तो लगभग ओवरऑल 100 पे देखा जाएगा तो ये कितने का डिफरेंस बनता है, 100 से इसको मल्टीप्लाई करें 63, और ये कितना आएगा 70, तो कितने परसेंट ज्यादा है, 7%, 7% का डिफरेंस इन दोनों में बनता है। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो। हेलो, फिर से एक बार कि जो हमारा वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी है वो क्या होगा, dh = i² r dt, दोनों वैल्यू में इतना डिफरेंस है, ये मीन वैल्यू, ये वर्चुअल वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू। मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हमने देखा तो क्या आता है, इस वैल्यू का जब मीन निकालते हैं तो वो मीन कैसा होता है, स्क्वायर रूट मीन होता है, इसीलिए इस वैल्यू को क्या वैल्यू बोलते हैं, स्क्वायर रूट वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट, स्क्वायर रूट मीन ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट। तो H का इफेक्टिव ये आ जाएगा, DC को लेके कंसीडर किया इतना, दोनों को कंपेयर करते हैं, इंटीग्रल करते हैं और ये वैल्यू हमें हमारी मिल जाती है। तो बच्चों हमारा टॉपिक क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन EMF, और EMF भी कैसा है, ऑल्टरनेटिंग, एन ऑल्टरनेटिंग EMF। तो इक्वेशन क्या पढ़ा था, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो उसी तरह से जो इफेक्ट, फिर से इफेक्ट वाली बात देखेंगे, तो फिर से उसी तरह से करोगे, डी एच इक्वल टू पहले क्या किया था, आई स्क्वायर आर टी, हमने डीसी का जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आई स्क्वायर आर टी, क्योंकि करंट निकालना था, लेकिन इस बार वी स्क्वायर अपॉन आर टी, तो डी एच इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर टी से मतलब क्या होगा, ई स्क्वायर अपॉन आर स्मॉल हीट, तो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इस तरह से टोटल हीट निकालने के लिए क्या करना होगा, इंटीग्रल करेंगे 0 टू टी ई स्क्वायर अपॉन आर इंटू डी टी, इस तरह से। इसको पुट करो, 0 टू टी ई की वैल्यू ई नॉट, देखो ई की वैल्यू यहां से ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन आर इंटू डी, ये हमारा एच आ गया फर्स्ट। अब हम फिर से उसी तरह से करेंगे कि टोटल हीट जो वर्चुअल वैल्यू निकालेंगे उसकी, उसके लिए क्या फॉर्मूला लेना है, तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लें उसी तरह से, देखो ई नॉट बाहर आ जाएगा, एच इक्वल टू ई नॉट 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर
ई नोट जीरो टू टी ई नोट स्क्वायर ये बाहर लेंगे क्योंकि कॉन्स्टेंट पॉइंट कहती है जीरो टू टी और साइन स्क्वायर ई नोट बाहर आर भी ले आते हैं ई नोट स्क्वायर अपॉन आर अब बचता है अंदर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी अब इसका फिर से इंटीग्रल करेंगे इसको और इसको इंटीग्रेट करते हैं तो देखते हैं क्या अभी क्या आई थी वैल्यू अभी हमने इसको किया था जीरो टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी क्या वैल्यू थी देखो सिंस जीरो टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी अब इस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी इक्वल टू जीरो टू टी साइन स्क्वायर की वैल्यू साइन को क्या पुट कर सकते हो अभी बताया था साइन स्क्वायर की जगह वन माइनस कोस कोस टू थीटा आता है सही बात है और थीटा की जगह यहाँ पे क्या है ओमेगा टी ओमेगा टी अपॉन टू और इंटू डी टी यहाँ तक ये वाली जो क्वांटिटी है ये हमारी किसकी जगह आई है इसकी जगह ये वाले अब इसको इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा वन बाई टू तो बाहर आएगा वन का क्या होगा टी इस बार लिमिट एक साथ रखूंगा दोनों की ये कोस का इंटीग्रल कोस को करोगे तो क्या आ जाएगा साइन टू ओमेगा टी अपॉन टू ओमेगा लिमिट क्या है जीरो टू टी कोई बच्चा आया था जिसको समझ नहीं आया ये चीज तो इस तरह से तो इसको इंटीग्रेट करेंगे ये आ जाएगा अब देखो t की जगह अपर लिमिट t की जगह लोअर तो ये तो क्या आ जाएगा वन बाई टू अंदर t माइनस कोसाइन टू ओमेगा और वन अपॉन टू ओमेगा और ये ब्रैकेट साइन साइन टू ओमेगा की जगह टू पाई अपॉन टी और इस टी की जगह कैपिटल टी माइनस जब जीरो रखोगे तो ये साइन जीरो का जीरो ही रहेगा और ये ब्रैकेट क्लोज तो टी से टी कैंसिल ये फोर पाई आएगा और साइन फोर पाई अभी बताया था उस टाइम पहले जीरो वन बाई टू टी माइनस जीरो ये हमारा बनता है ठीक है तो ये वैल्यू कितना आ गई लास्ट में T by 2 इस सारे की जगह T by 2 आ गया तो कितना आता है H equals to E naught square upon R into T by 2 ये समझ आ गया बच्चों सबको अब H effective क्या होगा इस बार मैंने H effective अब किया है पहले मैंने equate करके तभी साथ के साथ किया था since H equals to जो हमने I ये वाला फॉर्मूला पुट किया था ना E not square upon तो E effective square upon R into capital T इसको इक्वेट करो इस चीज को वहां पे पुट करेंगे E इफेक्टिव स्क्वायर अपॉन R इंटू टी इक्वल टू E नोट स्क्वायर अपॉन R T बाई टू R से तो R कैंसल T से T कैंसल तो क्या बचता है E इफेक्टिव इक्वल टू अंडर द रूट देखो ये आएगा तो E नोट बाई रूट टू जैसे पहले था वहां पे I नोट बाई रूट टू था यहाँ पे E नोट बाई रूट टू है और ये क्या आ जाएगा 0.707 E नोट आ गया उसी तरह से तो अगर हमें
ईआरएमएस निकालना है, ई इफेक्टिव या इसको बोल देते हैं ईआरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या क्यों हुई है ये समझ आ गया होगा, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर रूट किया था यहाँ पे, भाई ये इफेक्टिव हो जाएगी तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालोगे या नहीं निकालोगे इसका, तो ई आर एम एस भी बोल देते हैं इसको। और ये क्या आता है 0.707 ई नोट, तो नोट कर लो इसको। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है बच्चों, एसी सर्किट। अब एसी सर्किट में हमें डिस्कस करना है कि इसमें क्या दोनों सेम फेज में चलते हैं। सेम फेज से मतलब क्या है, जो मैं टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं कि फेजर और फेजर डायग्राम। क्या था फेजर, कि किसी बॉडी की फेज, क्या पढ़ा था 11th में, किसी बॉडी की पोजिशन और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो क्वांटिटी होती है, जो रिप्रेजेंट कराती है, उसके बारे में हमें नॉलेज देती है, दैट इज फेज। और उस क्वांटिटी को, फेज को ही क्या बोल देते हैं, फेजर, जो बताने वाला। लेकिन यहां इलेक्ट्रिसिटी में हम किसकी पोजीशन बताएंगे, किसके बारे में डिस्कस करेंगे, वोल्टेज या करंट। तो वोल्टेज करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रोटेटिंग वेक्टर को यूज करेंगे, और वो रोटेटिंग वेक्टर ही क्या होता है, मैंने बोला रोटेटिंग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कुछ पर्सन है, देखो अर्थ के ऊपर सभी पर्सन है, लेकिन उन पर्सन को भी अलग से उनके वर्क के अकॉर्डिंग हमने नॉमन नाम दिए हुए हैं। अगर कोई मेडिकल लाइन में है, पेशेंट जो इलाज करता है उसको क्या बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं। टीचर जो पढ़ाता है, सब कुछ नॉलेज के बारे में बताता है, उसे टीचर बोलते हैं, है ना। इस तरह से हैं सभी पर्सन, जेंट्स या लेडी वो अलग चीज है, लेकिन सभी पर्सन है, ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग सभी। तो इसी तरह से हमारे जो रोटेटिंग वेक्टर होता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, वोल्टेज को, करंट को, उसको हम क्या बोलते हैं, फेजर। अब उनका फेजर जो रिप्रेजेंट करने वाला है, उसका एक डायग्राम बनता है, जिसको हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और फेजर डायग्राम की हेल्प से जो ग्राफ बनाते हैं, उनके लिए जो ग्राफ बनाते हैं एक्स वाई एक्स पर लेके, एक्स और वाई एक्सिस पर लेकर उनकी क्वांटिटी को, उसे क्या बोलते हैं, ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट एंड टाइम। वोल्टेज एंड टाइम और करंट एंड टाइम दोनों सेम फेज में होंगे तो दोनों सेम मैक्सिमम, सेम मिनिमम, आगे पीछे भी चलेगा। तो अलग अलग सर्किट हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है आज का एसी सर्किट, और एसी सर्किट्स में सबसे पहले नंबर वन पर बात करेंगे रेजिस्टर की। तो पहले, सबसे पहले क्या लेंगे, एसी सर्किट, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टर। तो एसी सर्किट में सबसे पहले क्या है, कंटेनिंग ओनली रेजिस्टर। अब ये कैसे होगा, मान के चलते हैं रेजिस्टर की बात की है, तो एक रेजिस्टर ये आ गया, और किससे कनेक्ट करना है, एसी से। एसी से हमने इसको कनेक्ट किया, तो जब एसी से इसको कनेक्ट किया तो उस टाइम पर इसकी वोल्टेज कितनी है, सपोज कितना ईएमएफ है, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। हमने पढ़ा था कि ईएमएफ और करंट एसी के लिए इक्वेशन होती है, या करंट को लेते, तो ईएमएफ कितना है एसी सोर्स का, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और फॉर्मूला पढ़ाया तुमने डीसी के लिए, किसी टाइम पर इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ऑफ द सोर्स क्या था, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की किसी टाइम पर। अब याद रखना, जब भी डीसी वाले फॉर्मूले यूज करोगे तो ऑल्टरनेटिंग करंट को इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलोगे। फॉर्मूला क्या पढ़ा था तुमने, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V=IR। अब ये तो डीसी करंट के लिए है, डीसी में तो किसी भी टाइम बात करें कॉन्स्टेंट होती है, लेकिन एसी थोड़ी ना होती है। तो क्या बात बोलोगे, जब कभी कंडीशन ये आ जाए एसी के लिए डीसी का फॉर्मूला यूज करना हो, तो उसको फिक्स कंडीशन में हम केवल कब कंसीडर कर सकते हैं, कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर, तो फिक्स होगी वो वैल्यू। देखो
पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, टाइम इंक्रीज होते रहता है, चलता रहता है, वैल्यू कॉन्स्टेंट है तो डीसी, वैल्यू चेंज होती है तो एसी, लेकिन डीसी का फॉर्मूला यूज करना है एसी के लिए, तो फिर किसी पर्टिकुलर टाइम पर एसी को ही डीसी कंसीडर कर लेते हैं। तो क्या लोगे, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इक्वल्स टू क्या होगा, इंस्टेंटेनियस करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, तो क्या होगा फॉर्मूला, ई इक्वल्स टू आई आर, वैल्यू पुट करो, ई इक्वल्स टू आई आर, तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू, क्योंकि हमें देखना है टर्म आती क्या, आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर, ई की वैल्यू ई नोट तो ये E इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू ई अपॉन आर, वैल्यू पुट करो, E नॉट साइन ओमेगा T अपॉन R, इस तरह से E नॉट की वैल्यू इसमें आ गया। तो किसी भी टाइम पर इंस्टेंटेनियस करंट हमारा क्या आता है, E नॉट साइन ओमेगा T अपॉन R। अब E नॉट अपॉन R को क्या बोल सकते हो यहां पे फॉर्मूले में, आई नोट साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी लेके किससे चले थे, ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी से, मिला क्या है, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। तो देखो एक चीज ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में भी और इस इक्वेशन में दोनों क्या, अगर हम ग्राफ बनाएंगे, मान के चलो हम ग्राफ बनाते, तो ग्राफ बनाते टाइम हमने क्या लिया, ओमेगा टी टाइम पर जो वेक्टर है वो ये वाला करंट का, और मींस यहां से यहां तक का जो एंगल है वो कितना है, फेज कितने, भाई पोजीशन बताता है ना ये वाला एंगल, फेज होता है ना फेज एंगल, तो ये कितना है ओमेगा टी, और ईएमएफ का भी यही है, तो इस ईएमएफ के लिए भी अगर दोनों की वैल्यू सेम होगी आई की और ई की, तो दोनों की लाइन इक्वल, लेकिन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि दोनों को अगर इक्वल लेंगे, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है ये, लेकिन दोनों रिप्रेजेंट कर पाना थोड़ा मुश्किल है, तो इनको अलग अलग करके लेते हैं। और याद रखना तब भी फेजर डायग्राम बनाओगे तो हमेशा ईएमएफ को बड़ी लाइन से रिप्रेजेंट करना, ईएमएफ को बड़ी लाइन से रिप्रेजेंट करोगे तो किस तरह से बनेगा ये, इस वे में, ये हमारा करंट ईएमएफ, यहां पे ये क्या होगा आई, ये क्या होगा ई, और इस ई की वैल्यू कितना होगी, ये क्या है यहां तक ई नोट, ये क्या है यहां पे आई नोट, और इसकी इक्वेशन क्या होती है, देखो ये वाला इसी की ई नोट साइन ओमेगा टी, और इस आई के लिए क्या होगा, आई नोट आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, और यहां तक का ये कितना फेज है ओमेगा टी। तो यहां पे इस तरह से फेजर डायग्राम बना है, अब इसका बनाना है ग्राफ, तो ग्राफ कैसे बनाओगे, ग्राफ के लिए देखो एक चीज है, जब ये रोटेट होगा दोनों रोटेटिंग वेक्टर, दोनों रोटेटिंग वेक्टर या दोनों फेजर सेम फेज में हैं, इसका मतलब क्या होगा, जब आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ बनाते टाइम पर
दोनों की वैल्यू एक साथ मैक्सिमम होंगी दोनों की वैल्यू एक साथ मैक्सिमम होंगी और दोनों की वैल्यू एक साथ मैक्सिमम और दोनों की एक साथ मिनिमम। तो ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज किसको, आई को। अब मुझे बनाना है वोल्टेज के लिए, ये सर याद रखना पीक सबका एक ही लाइन में होना चाहिए, इधर भी सबका पीक अगर मैं आगे बनाता तो ये है ना, याद और रखना जितना करंट ये थोड़ा बड़ा हो गया उतना ही इधर भी होना चाहिए, जितना इधर है उतना ही इधर, इस तरह से। तो ये हमारा ये वाला क्या है बच्चों, पीक किसका, पी नोट, और ये क्या है आई नोट, ठीक है, ये आई नोट है, ये ई नोट है और ई नोट इस तरह, ठीक है, ये आई नोट, और किसी पर्टिकुलर टाइम पर यहां की बात करें कहीं भी तो वो इस तरह से इक्वेशन बनती है। ये कितना टाइम है यहाँ पे t बाई फोर, ये कितना टाइम है t बाई टू, ये कितना टाइम है यहाँ पे, क्योंकि पहली बार t बाई फोर पे मैक्सिमम हुआ है, t बाई टू पे जीरो, फिर कितना टाइम हो गए ये थ्री टी बाई टू, और ये कंप्लीट थी। इस तरह से भैया वन फोर्थ टाइम पर मैक्सिमम, हाफ टाइम पर मिन, फिर जीरो, फिर थर्ड टी बाई टू पे फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, ये वाला प्रोसेस हमारा चलता है। लेकिन एक चीज देख रहे हो, दोनों मैक्सिमम एक साथ, दोनों मिनिमम एक साथ, तो दोनों सेम फेज में होते हैं, देयरफॉर द करंट एंड द ईएमएफ विल बी सेम फेज। तो पहले वाले में दोनों के दोनों सेम फेज में चलते हैं, इस तरह से। नेक्स्ट इसके बाद हमारा टॉपिक है नेक्स्ट सर्किट, नोट कर लो इसको। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर। तो इस बार कैपेसिटर किस तरह से होता है, ये सिंबल कैपेसिटर का, और इसको किससे कनेक्ट किया, एसी सोर्स से, इस तरह से। तो देखो जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं तो इस पे क्या आएगा, इसके ऊपर चार्ज कंजर्व हो जाएगा, और चार्ज कंजर्व होने पर सपोज इसका ईएमएफ कितना है, ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। तो देखो कुछ टाइम के लिए इस पर पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, है ना, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो फॉर्मूला क्या बनता है, वी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ईएमएफ, जितना ईएमएफ होगा उतना ही तो क्रिएट करेगा, इक्वल टू क्यू अपॉन सी, क्यू कितना चार्ज इसके ऊपर आता है, सपोज क्यू चार्ज इसके ऊपर आता है, और कितना कैपेसिटेंस है इसका सी, तो क्या आ जाएगा, वी इक्वल टू क्यू अपॉन सी। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, वैल्यू पुट करो, तो वी की वैल्यू किसके इक्वल है, ई के, तो यहां पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा क्यू इक्वल टू वी सी, या सी वी भी बोल सकते हो, तो क्यू इक्वल टू सी, और ये वी की वैल्यू क्या है,
ई, सी और ई है बच्चों, तो क्या आ जाएगा ई नोट साइन ओमेगा टी। अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट जब इसको करते हैं क्योंकि हमें निकालना क्या है, देखो ईएमएफ से शुरुआत की है हमने और फिर से जैसे हर बार क्या करेंगे, हर किसी सर्किट में हम क्या लेके चलेंगे, ईएमएफ को लेके चलेंगे और करंट की वैल्यू लेके आएंगे। तो हमारा करंट क्या होता है किसी पर्टिकुलर स्मॉल टाइम के अंदर, क्योंकि ये क्या है एसी, फिर से वही स्मॉल टाइम वाली कंडीशन लेके चलेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट इट, डिफरेंशिएट इट, तो आ जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू सी ई नोट, क्योंकि कैपेसिटेंस भी फिक्स है ई नोट भी फिक्स है और इन डिफरेंशियल होगा किसका, डी साइन ओमेगा टी अपॉन डी टी। करो इसको, ठीक है। तो इंट्री इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन का डिफरेंशियल क्या होगा, सी ई नोट साइन का क्या होता है, साइन का क्या होगा बच्चों, कोस ओमेगा टी, साइन का कोस होता है, डिफरेंशियल की बात कर रहा हूं, और साइन ओमेगा टी में ओमेगा टी का क्या होगा, यहां पे ओमेगा और आ जाएगा, और ये है क्या हमारा डी क्यू बाई डी टी, और यही क्या होगा आई, चार्ज अपॉन टाइम इंटरवल इंस्टेंटेनियस करंट एसी के लिए, स्मॉल चार्ज स्मॉल टाइम, ये क्या आ जाएगा, तो देयरफॉर आई इक्वल्स टू सी ई नोट, या इसको ओमेगा सी ई नोट कोस ओमेगा टी, ये आ गया। अब एक चीज देखो, जब हम इक्वेशन को करते हैं तो हमने जो इक्वेशन बनाई है वो क्या थी हमारी, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, तो इस सारे को आई नोट की तरह कंसीडर करेंगे, ये हमारी पीक वैल्यू है करंट की, तो कैसे आएगा, आई इक्वल टू ई नोट अपॉन वन अपॉन ओमेगा, इस तरह से आई इक्वल टू ई नोट, आई इक्वल टू क्या होता है वी अपॉन आर, है ना, तो इसको क्या लिया है ई नोट अपॉन वन अपॉन ओमेगा टी, और ये हो गया कोस ओमेगा टी, लेकिन फॉर्मूला क्या था साइन में, साइन का फॉर्मूला क्या पड़ा था, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, मीन्स रेशो जो होना चाहिए वो किसमें होना चाहिए, साइन में, और है किसमें, कोस में। अब कोस ओमेगा टी को हमें साइन में कन्वर्ट करना है तो क्या ले सकते हैं, हमने पढ़ाया साइन, अगर कोस थीटा की बात करें तो साइन 90 प्लस थीटा, तो ये क्या ले सकते हैं इसको, कोस ओमेगा टी या साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, हाँ 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, और 90 प्लस थीटा का मतलब क्या है पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, है ना। अब एक बात देखो, ये वाली टर्म क्या होगी, आई नोट, आई नोट इक्वल टू ई नोट अपॉन वन अपॉन ओमेगा सी, है ना, वन अपॉन ओमेगा सी को क्या बोलेंगे, एक्स सी इक्वल टू ई नोट अपॉन एक्स सी, और इसको बोला जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब जरा ये थोड़ी थोड़ा सा यहां पे समझना है बच्चों, आखिर होता क्या है, अगर सर्किट में रेजिस्टर कनेक्ट है तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टर की का वर्क क्या होता है, चार्ज की फ्लोटेशन को अपोज करना कि चार्ज फ्लो ना हो पाए,
और उसकी उस नेचर को ही हमने क्या नाम दिया, रेजिस्टेंस, है ना। लेकिन अगर सर्किट में कैपेसिटर है, काम तो वो रेजिस्टर का ही करता है, उसमें भी एक नेचर ऐसी क्रिएट होती है जो चार्ज की फ्लोटेशन को फ्लो होने से अपोज करेगा, लेकिन उसका नाम रेजिस्टेंस नहीं बोलते, उसको क्या बोला जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। याद रखना, सर्किट में अगर रेजिस्टर है तो उसके काम करने की नेचर क्या होती है, करंट को फ्लो होने से अपोज करना, और इसीलिए उसको बोला जाता है रेजिस्टेंस। लेकिन कैपेसिटर के केस में क्या बोलेंगे, उसी वर्क को जब कैपेसिटर कनेक्ट किया और कैपेसिटर कनेक्ट करने के बाद इसमें भी एक नेचर आती है जो चार्ज को फ्लो नहीं होने देती, कब आएगी देखो जरा। मैंने बताया था एसी का रोल होता है कि हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन सपोज क्लॉकवाइज है तो नेक्स्ट हाफ में क्या रह जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब इस पर पॉजिटिव और ये नेगेटिव आता है और दूसरी बार जब ये अपोज वाली कंडीशन होगी तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये कैपेसिटर के ऊपर पूरा चार्ज आ जाता है, उसके बाद ये चार्ज को फ्लो नहीं होने देता, है ना, अपोज करता है। तो उस टाइम पर इसके अंदर कौन सी नेचर बोली जाएगी, रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे इसके अंदर, इसके अंदर कौन सी नेचर बोली जाएगी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये वाली जो चीज है, ये वाला जो टर्म है वो हमने क्या बोला उसको, एक्ससी। एक्ससी का क्या है, वेयर एक्ससी इक्वल टू कैपेसिटिव, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। इस टाइम पे इसको बोला जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो आई इक्वल टू ई नोट एक्स अपॉन ई नोट अपॉन एक्स सी, तो क्या बनेगा वहां पे वैल्यू पुट करें, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि ये करंट क्या है यहां पे, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। करंट हमारा वोल्टेज को लीड करता है, करंट कितना आगे है, पाई बाई टू आगे है, करंट की वैल्यू पाई बाई टू आगे है, इट मींस करंट लीड्स द वोल्टेज, लीड्स द वोल्टेज बाय बाय फेज डिफरेंस कितना, पाई बाई टू, बाय फेज डिफरेंस, बाय फेज डिफरेंस पाई बाई टू। लीड का मतलब आगे निकलता है। तो डायग्राम बनाएंगे अब, नोट कर लो इसको जल्दी से। देखें चलिए, यहां पे पाई बाई टू आ गया। तो ईएमएफ था कितना सर्किट में जब हमने यूज किया था, ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, लेकिन करंट कितना मिला हमें, आई इक्वल टू आई नोट, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई। अब इसके दोनों ग्राफ बनाने, फेजर डायग्राम बनाए पहले। अगर हमारा वोल्टेज ये है, ये E नोट, तो करंट कितना इससे आगे है, पाई बाई टू, ये हमारा I नोट, ये क्या है यहां पे I,
और ये क्या है यहाँ पे E, इस E की वैल्यू कितना है E नोट साइन ओमेगा टी यहाँ पे, और इस I नोट की ये वाली वैल्यू, ये I नोट है और ये I की वैल्यू कितना है ये वाला, यहीं पे लिखते हैं, इस I की वैल्यू कितना है I नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, पाई बाई टू आ गया है, ये तो 90 हो गया और ये यहाँ पे ओमेगा टी, तो ईएमएफ और ये है, ये फेजर डायग्राम हो गया है। अब इनका ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ देखो किस तरह से, पहले मैक्सिमम वैल्यू किसने अचीव किया, करंट ने, तो करंट ने अगर मैक्सिमम वैल्यू को अचीव किया है तो किस तरह से वैल्यू आएगी, देखो पहले करंट फिर वोल्टेज, तो या तो करंट को यहां से शुरू कर दो, या अगर करंट यहां से होगा तो मींस पाई बाई टू पीछे, जब ये मैक्सिमम होगा, जब ये मैक्सिमम था, अगर देखो अगर ये करंट ऐसे होता, करंट का वेक्टर ये होता वोल्टेज का ये, तो ये मैक्सिमम था ये मिनिमम, और जब वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट मिनिमम, तो शुरुआत कैसे करोगे, अगर आपने शुरुआत यहां से की तो करंट मैक्सिमम से शुरू हुआ है और वोल्टेज मिनिमम से शुरू होगी, थोड़ा ऊपर, जब फिर से देखो करंट मैक्सिमम वोल्टेज ये किसके लिए है ई नॉट, ये किसके लिए है आई नॉट, करंट मैक्सिमम है टाइम उसी टाइम पर तो ईएमएफ जीरो है, करंट जीरो हो गया तो ईएमएफ मैक्सिमम, अब अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, करंट मैक्सिमम तो वोल्टेज जीरो, फिर करंट जीरो वोल्टेज मैक्सिमम, वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएगी आप, तो ये वाला प्रोसेस रहता है, लेकिन शुरुआत आगे किसकी है करंट की, या तो ऐसे बना सकते हो या दूसरा एक इस तरह भी बना सकते हैं, इस तरह देखो जरा, ये हमारा करंट यहां से शुरुआत, इस तरह से, या अब करंट यहां से है तो वोल्टेज को कहां से पीछे पाई बाई टू पीछे, ये मैक्सिमम होगा, करंट जीरो तो ये मैक्सिमम है, लेकिन है पीछे ये आगे है, तो वोल्टेज हमारी यहां से शुरुआत, जब ये मैक्सिमम हो गया, मैंने सीधी लाइन इस तरह से है ना, ऐसे समझो कि शुरुआत यहां से थी, इस तरह से चलता है, ऐसे भी बना सकते हैं, बस याद रखना क्योंकि ये पर्टिकुलर कंडीशन कहीं से भी शुरुआत हो सकती है, रोटेटिंग वेक्टर है ये डायग्राम। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है इसमें, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, बना ले, देखो जरा, तो अभी हमारा हमने फॉर्मूला पढ़ा xc का कितना क्या था, xc इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा c, पहली बात फिर से, सर्किट में खाली रेजिस्टर होता है तो रेजिस्टेंस बोला जाएगा, सर्किट में रेजिस्टेंस का वर्क अगर कैपेसिटेंस भी करता है तो उसकी उस नेचर को रेजिस्टेंस नहीं बोला जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोला जाएगा। इसी तरह से अगर इंडक्टर सर्किट में कनेक्ट है, इंडक्टर सर्किट में कनेक्ट है, इंडक्टर भी रेजिस्टेंस का वर्क करता है तो रेजिस्टेंस नहीं बोला जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगर सर्किट में खाली कैपेसिटर है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, खाली इंडक्टर है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और खाली रेजिस्टर है तो वहां पे तो रेजिस्टेंस बोला जाएगा। लेकिन सर्किट में अगर दो दो चीजें आ गई, कैपेसिटर रेजिस्टर,
कैपेसिटर, इंडक्टर, इंडक्टर, रेजिस्टर, सब वही काम, वो दोनों मिलके किस काम को करते हैं, रेजिस्टेंस के काम करते हैं, मींस चार्ज को फ्लोटेशन से अपोज करते हैं, या सर्किट में तीनों एक साथ आ जाएं, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर। बुक में हम इनको कैसे बोलते हैं, अगर खाली कैपेसिटर है तो सी सर्किट, खाली रेजिस्टर है तो आर सर्किट, खाली इंडक्टर है तो एल सर्किट, दो दो को सर्किट को मिला ले सी आर, सी एल या आर एल, एल आर या सी आर या एल सी, एल सी सर्किट भी बोला जाएगा, एल सी सर्किट। देखो सर्किट होते कितने, खाली आर, खाली एल, खाली सी, एल सी, सी आर, एल सी, सी आर और एल आर, कितने हो गए, दो दो का कंबाइन करके, या फिर एक आता है एल सी आर, शॉर्ट में बोल देते हैं एल सी आर, जबकि पूरी तरह से बोले क्या होगा, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर। इसके केस में रेजिस्टेंस को क्या बोला जाएगा, रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस ही बोलते हैं, खाली दोनों एक एक है तो क्या बोलेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव, इंडक्टिव रिएक्टेंस, खाली ये वाला है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये वाला है अब दो दो के केस में अब बोला जाएगा इंपीडेंस, क्या बोलेंगे, ये है, ये है या ये वाला है, सब के लिए एक ही नाम आएगा, इन सब के लिए एक ही नाम होगा और वो क्या होगा, इंपीडेंस। याद रखना सारी नेचर कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, रेजिस्टेंस है, इंपीडेंस, सबका काम एक ही है, चार्ज को फ्लोटेशन से अपोज करना, फ्लोट नहीं होने देते, ये याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले ले। आर खाली रेजिस्टेंस, एल खाली है इंडक्टिव रिएक्टेंस, सी खाली है, सी का खाली का मतलब सर्किट में कैपेसिटर है, सर्किट में इंडक्टर है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और अगर एल सी, सी आर, एल आर, एल सी आर, तो इंपीडेंस, इंपीडेंस बोला जाता है। चलिए देखिए, तो अभी हम बात करेंगे यहां पे फ्रीक्वेंसी की, कैपेसिटिव सर्किट में क्या हमारा कैपेसिटर को कनेक्ट करने का एसी सर्किट में फायदा होगा या नहीं होगा। एक्सी ये फॉर्मूला होता है, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ सी, तो एक्सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, मीन्स ये फॉर्मूला हमारा बनता है, क्योंकि ये 2 पाई और कैपेसिटर, कैपेसिटेंस फिक्स होते हैं, तो अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो एक्सी क्या होगा, मिनिमम, और अगर ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, मीन्स डिपेंड करता है, एसी सर्किट में इसका प्रॉफिट है, एडवांटेज है, लेकिन डीसी में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, जीरो, डीसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, वैल्यू फिक्स चलती है, एक ही कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो एक्सी कैसे आ जाएगा, इनफाइनाइट, मीन्स उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, उस सर्किट में कैपेसिटर लगाने का कोई फायदा हमें नहीं मिलने वाला। उसके बाद ग्राफ बनाते हैं किस किस के बीच, एक्सी और एफ के बीच, तो देखो ये है रिलेशन, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो ये कम, और ये कम तो ये ज्यादा, तो फ्रीक्वेंसी शुरू में कम है फिर इंक्रीज होती है, तो ग्राफ इस तरह से। इसी तरह से हमने पहले टॉपिक किया था प्योर रजिस्टर, तो रजिस्टर की वैल्यू फ्रीक्वेंसी कितनी भी बढ़ती रहे या घटती रहे, रजिस्टर नहीं चेंज होता उसकी, क्योंकि उसकी खुद की वो वैल्यू ओरिजिनल होती है, तो वैल्यू ग्राफ कैसे चलेगा, कॉन्स्टेंट में। थैंक यू, आगे के वीडियो हम इंडक्टिव सर्किट, एलसी सर्किट, सीआर सर्किट, और एलसी, सीआर और एलआर और एलसीआर, या नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए हम बंद करते हैं।